कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं. अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो सारा क्या था, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स. अभी क्या नया डिस्कस करना है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. इसका मीनिंग क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन हमारे कोर्स में. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स मीन्स इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स. जब पब्लिक इशू होता है तो स्कैटर्ड होती है शेयर होल्डिंग, पूरे कंट्री में आप वाइड शेयर होल्डर बेस बनाना चाहते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स. इट मींस इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू अ रिलेटिवली स्मॉल, रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू पब्लिक इशू. पब्लिक इशू में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स लाख्स में होते हैं, करोड़ में होते हैं. प्राइवेट प्लेसमेंट में रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स प्राइवेटली टू रेज कैपिटल एंड नॉट टू पब्लिक इन जनरल. तो आपने सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को ऑप्शन दिया कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स लो, पब्लिक को नहीं. मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट, नॉट टू पब्लिक इन जनरल थ्रू पब्लिक इशू. तो पब्लिक इशू नहीं निकाला, सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को आइडेंटिफाई करा, उनको प्रपोजल दिया आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे. दैट इज कॉल्ड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. दीज इन्वेस्टर्स आर यूजली बैंक्स, म्यूचुअल फंड हाउसेस एंड इंश्योरेंस कंपनीज. प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, शेयर्स अलॉटेड टू अ रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स, बल्क में खरीदते हैं वो. तो मीनिंग ऑफ प्राइस, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स बताना चाहिए. आईपीओ का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, मेकिंग एन ऑफर और इनवाइटिंग द पब्लिक इन जनरल फॉर द फर्स्ट टाइम. तो जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है तो क्या निकालती है, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. इनिशियल पब्लिक ऑफर, द कंपनी कैन मेक पब्लिक इशू अंडर डिफरेंट मोड्स एंड प्राइसेस. शेयर्स में भी एट पार और प्रीमियम. जैसे आईपीओ होता है वैसे एक चीज होती है एफपीओ. एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर मतलब एग्जिस्टिंग शेयर से उसमें और कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है, कंपनी के पास और शेयर्स पड़े हुए हैं और पैसा रेज करना चाहती है, तो पब्लिक को कोई नए शेयर्स इशू नहीं हो रहे, एक एग्जिस्टिंग कंपनी, एक लिस्टेड कंपनी और शेयर्स इशू करना चाहती है और पैसा रेज करना चाहती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एफपीओ. कंपनी क्या निकालेगी, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. कोई कंपनी लिस्ट होना चाहती है, फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रही है, तो क्या इशू करती है, आईपीओ. एग्जिस्टिंग कंपनी, ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी और पैसा रेज करना चाहती है तो क्या इशू करती है, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. तो मीनिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, मीनिंग ऑफ आईपीओ, मीनिंग ऑफ एफपीओ.